गाइज, अगर आप माल ढुलाई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और पहली बार एक लोडिंग वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, चाहे पिकअप हो या फिर ट्रक, तो सेकंड हैंड पिकअप खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसमें आपको ना तो रीसेल वैल्यू का डर रहेगा, यानी आप आज अगर 5 लाख रुपए में लेते हैं तो उसको अगर 2, 3, 4, 5 महीने बाद बेचते भी हैं तो 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आपको सेम रेट मिल जाएगी। उसके बाद आपको मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, हम आज आए हैं पिकअप बाजार में, जहां आपको 2008 से लेकर 2019 तक जैसा आप चाहो उस रेट में, उस बजट में आपको जो है पिकअप मिल जाएगी। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ पिकअप मिल जाएगी। ये जो पिकअप है सीबीसी पिकअप है, 2016 का मॉडल है, 17 का रजिस्ट्रेशन है और 7 लाख इसकी सीलिंग प्राइस है। इंश्योरेंस अभी बना हुआ नहीं है, हालांकि आपको पूरे कागज कंप्लीट मिलेंगे, वाकद आपको नाम ट्रांसफर करवा कर देंगे। सीबीसी पिकअप है जिसकी आप कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, ठीक ठाक है और बॉडी भी इसके जो है आपको बनी हुई मिलेगी। और अब अगर हम इसका अंदर से जो केबिन देखें तो ये भी ठीक कंडीशन में है, और इसके जो सीट कवर वगैरह है वो तो आप छोटा मोटा खर्चा आपको जो है करना पड़ेगा। पुरानी पिकअप लेते हैं तो आपको बिल्कुल रफ एंड टफ नहीं मिलती। और इसका आप जो किलोमीटर वगैरह देख सकते हैं, ये डिजिटल नहीं है इसलिए ये बंद वगैरह हो जाता है, तो इस पे आप ना जाएं। महिंद्रा पिकअप के इंजन का किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और ये आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, ठीक कंडीशन में बॉडी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये दूसरी पिकअप है जो कि 2014 का मॉडल है और ये भी बड़ी वाली पिकअप है। ये देखिए 2014 मॉडल है, सीबीसी पिकअप है और इसकी जो सीलिंग प्राइस है 5,20,000 है और इंश्योरेंस आईडी भी 4,30,000 है। इंश्योरेंस आप नया भी बनवा सकते हैं और इसकी भी आप बॉडी वगैरह कंडीशन देख सकते हैं, डैशबोर्ड वगैरह अच्छा है। नीचे आप इसका चेसिस जरूर देख सकते हैं। और साइड कबानी पिकअप है, इसमें आप अच्छी झाल वगैरह जो है लोड करके आराम से इसको चला सकते हैं। चेसिस जरूर देखना चाहिए, ये अगर टूटा हुआ आता है तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। पुराने पिकअप जब भी आप खरीदें, और इसमें आप पत्ते वगैरह देख सकते हैं काफी मजबूती से इसके जो है लगाए गए हैं, और इसमें आपको आप कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा जो है आप इसकी वॉशिंग वगैरह वो करवा सकते हैं। उसके बाद ये एक और पिकअप है, RJ32GV 4156 नंबर की, ये एक सीबीसी फ्लैटबेड पिकअप है जो कि ये भी काफी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी नई इसकी जो है अभी बॉडी बनी हुई है तो काफी जबरदस्त कंडीशन में है। टायर वगैरह आप देख सकते हैं, फ्लैटबेड मॉडल है और ये जो पिकअप है 2015 का ये मॉडल है। इसकी सेलिंग प्राइस है 6 लाख रुपए, आईडीवी इसकी इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू 3 लाख रुपए। इसका चेसिस वगैरह भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में है, कोई किसी प्रकार का इसमें जंग भी नहीं लगा हुआ है 15 मॉडल होकर भी, और इसकी बॉडी अभी जो है लगभग नई कंडीशन में बॉडी इसकी लग रही है, चाहे अभी चाहे कलर हुआ हुआ होगा। अब अगर हम इसका केबिन भी देखें तो आप देख सकते हैं इसके सीट पे कवर वगैरह लगाया गया है और अच्छी कंडीशन में इसकी केबिन देखने को मिलेगी। उसके बाद ये है मैक्सी ट्रक प्लस, जो कि इसको छोटी वाली पिकअप बोलते हैं। ये भी काफी शानदार पिकअप आती है, सेंटर कबानी आती है, इसमें आप थोड़ा माल कम लोड कर सकते हैं। और इसका भी अगर हम केबिन वगैरह देखें तो काफी जबरदस्त कंडीशन में है, इसकी सीटिंग वगैरह देख सकते हैं, ड्राइवर इसमें आराम से सो सकता है। 2017 का ये मॉडल है, मैक्सी ट्रक प्लस है, 5,75,000 इसकी अभी प्राइस है और 3,40,000 इसकी इंश्योरेंस में वैल्यू है। इसका चेसिस वगैरह भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में है, इसमें काफी कबानी पत्ते वगैरह लगाए गए हैं। बाद ये है फ्लैट बेड, यानी पिकअप जो फ्लैट बेड आती है, 2017 का मॉडल है, 7,50,000 इसकी सीलिंग प्राइस है, इंश्योरेंस इसमें आपको न्यू बनवा कर देंगे, तो ये भी काफी अच्छी कंडीशन में मेरे को लग रही है। और ये आप देख सकते हैं फ्लैट बेड गाड़ी है, 2017 का मॉडल है। इसका अगर हम अंदर से केबिन वगैरह देखें तो आप कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में इसमें आपको जो है डिजिटल स्पीडोमीटर भी देखने को मिलेगा, और अंदर से इसका जो रूफ वगैरह देख सकते हैं शानदार कंडीशन में है। तो ये पिकअप भी काफी अच्छी कंडीशन में है, फ्लैट बेड जो आती है गाड़ी ये भी काफी जबरदस्त आती है, और इसकी मार्केट में आज के समय वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। साइड कबाड़ी जो आती है उसमें आप जो है झाल वगैरह वो आराम से इसमें काफी लोड कर सकते हैं। और ये जो सीबीसी पिकअप है 2019 का मॉडल है, 1.3 जो आती है, 8,15,000 इसकी सीलिंग प्राइस है, इसकी आईडी भी वैल्यू 5,40 है, नई बॉडी बनी हुई है। और अंदर से इसका अगर आप केबिन देखेंगे तो डैशबोर्ड पे तो थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा दिया है, बाकी गाड़ी जो है A1 कंडीशन में है, डिजिटल इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। और जब भी आप गाड़ी को यहाँ पे देखने के लिए आए तो इसको आराम से देख सकते हैं, स्टार्ट करके इसका इंजन वगैरह चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में ये भी है, 19 का मॉडल है। अगर आप इसको अभी नहीं लेने के लिए जाएंगे तो 11.5-12 लाख रुपए कैश में पड़ेगी। नीचे से आप इसका चेसिस वगैरह देख सकते हैं, ये भी ठीक कंडीशन में है, तो चेसिस जरूर देख लें। और ये 2018 की सीबीसी मॉडल है, 7,35,000 इसकी सीलिंग प्राइस है, इंश्योरेंस इसमें भी आपको जो है नया बनवा कर देंगे, कागज वगैरह आपको नाम ट्रांसफर करवा कर देंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में है। चलिए इसकी अगर साइड प्रोफाइल देखें तो बॉडी वगैरह आप देख सकते हैं जबरदस्त है, बड़ी वाली पिकअप है।
और मैक्सी ट्रक प्लस जो आती है वो छोटी वाली पिकअप आती है। इसमें भी आपको जो है डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा और सीटिंग वगैरह देख सकते हैं, अंदर से डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और नीचे से इसका भी आप चेसिस वगैरह देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। और आगे और पीछे जो है कबानी पत्ते वगैरह इसमें लगे हुए हैं और लकड़ी का इसमें जो सपोर्ट भी है। और ये इनकी आप बॉडी देख सकते हैं, कार्गो बॉडी, तिलोरा बॉडी वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इन पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा कलर वगैरह कर सकते हैं। और ये राहुल भाई हैं यहाँ के सेल्समैन, इनसे जो भी आपको बात करनी है नंबर दिए गए हैं, आप आराम से इनसे बात कर सकते हैं। इनके इंजन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में पूरी ये आपको जानकारी देंगे। इनके पास और भी कई गाड़ियां और मॉडल्स हैं, तो आप इनसे बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, गाड़ी की जो भी कीमत है उसका लगभग 85% से 90% तक लोन हो जाएगा, यानी बाकी का पैसा आप ईएमआई में पे कर सकते हैं, यानी रीफाइनेंस की भी पूरी सुविधा दी गई है। यहाँ पे आप अपनी जो पुरानी पिकअप है उसको बेच भी सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं, यानी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं वाकद इंजन, इसकी बॉडी, इसका चेसिस वगैरह सब चेक करके आप गाड़ी जो है ले सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल में और भी उनके पास कई मॉडल्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं।